अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको मिले हमारी वीडियो सबसे पहले। ये फ्रेंड्स, ये बाजरा है, ये देखें ये कैसे इसकी बूर बाई निकली हुई है। इसे आप एक टोकरी में डाल के और कपड़ा भिगो के इसके ऊपर ऐसे रख दें, तो 3 से 4 दिन आप रखेंगे तो इसकी जो बूर है ना, बाहर आना शुरू हो जाएगी। तो फिर आप अपने चिक्स को दें, ये सॉफ्ट फूड में आता है, ठीक है फ्रेंड। तो फिर आप इसका रिजल्ट देखें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, ये आपके बर्ड्स बड़े अच्छे शौक से खाएंगे। ये होता है बिल्कुल सॉफ्ट फूड में आ जाता है, इसे ऐसे टोकरी में डाल के और इस तरह से इसे ऐसे कपड़े में भिगो के, ये देखें ये देखें, एक एक दाने को देखें आप, ये जो मैंने आपको पहले दिखाया है ना, वो तो मुझे हो गए तकरीबन 3-4 दिन मैंने रखा हुआ है। तो ये मैंने कल रात को भिगोया है, अभी ये देख लें, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, इसकी बूर नहीं निकली हुई बाहर, ठीक है ना। अभी तकरीबन ये 2-3 दिन पड़ा रहेगा, उसके बाद ये इसका बूर निकलना शुरू होगा। तो आप इसको ऐसे टोकरी में डाल के अच्छे तरीके से धो के वॉश करके, तो फिर ये ऐसे टावल इसके ऊपर भिगो के दे दें, कोई भी कपड़ा हो, और इसे धूप में रखें। अगर धूप में नहीं रख सकते तो यहाँ आउटडोर में हवा जहाँ पे क्रॉस होती है आपके चिक्स के पास ही, तो वहाँ पे रख दे। अभी रात का टाइम है, तो ये देखें मैंने अपने बर्ड्स को ना ये सॉफ्ट फूड दिया है, चावल वगैरह बर्ड इसे खिला रहे हैं। ये ये देखें फ्रेंड, अगर ये आपके किसके रू आ रहा है ना, तो समझिए बच्चे बच्चे हैं जो आपके। ये फर्स्ट ब्रीड है इनकी मेरे पास, तो ये पेड़ है, बच्चे माशाल्लाह खूबसूरत हैं इसके। तो ये सॉफ्ट फूड चावल है और ये मिक्स दाना है,